हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल टेस्ट पे। यहाँ पर आज अगेन आपके साथ शेयर कर रहे हैं व्रत स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं आपके लिए। समा के चावल और साबूदाना का बहुत ही हेल्दी नाश्ता, साथ में ही नारियल की चटनी आपके साथ शेयर करेंगे। इंस्टेंट चटनी बिना नारियल के बस 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। बनाने के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं एक बाउल में पूरा 1 कप साबूदाना और दूसरे बाउल में यहाँ पे हम ले रहे हैं पूरा 1 कप समा का चावल। दोनों को बिल्कुल अच्छे से हमने साफ करके वॉश कर लेना है करीब 3 से 4 बार, और इन्हें वॉश करने के बाद यहाँ पे हम पूरा 1-1 कप पानी के साथ ही इन्हें सोक करने के लिए रख देंगे। यानी इन्हें सोक करने के लिए ज़्यादा पानी का यूज़ ना करते हुए 1-1 कप हमने दोनों ही चीज़ ली है, तो 1-1 कप पानी डाल के हमने इन्हें सोक कर देना है करीब 4 घंटे के लिए। आप चाहें तो इन्हें ओवरनाइट सोक करके भी रख सकते हैं। आप मॉर्निंग में बनाएं तो इन्हें रात को ही सोक करके रख दीजिएगा, या आप इवनिंग में बनाएं तो आप इन्हें सुबह को सोक करके रख सकते हैं। दोनों का ही 4 घंटे बाद हमने पानी निकाल के इन्हें ले लिया है छन्नी में, यानी 4 घंटे हो चुके हैं इन्हें सोक होते हुए, और उसके बाद हमने दोनों ही चीज़ों का पानी निकाल दिया है। और दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ग्राइंडर जार में। साबूदाने और समा के चावल की ये रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी है, साथ ही साथ काफ़ी हेल्दी भी होती है। तो बस यहाँ पे आज आपके लिए कुछ हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं, व्रत स्पेशल रेसिपी, या चाहे इसे कभी भी बना सकते हैं। ग्लूटेन फ्री खाना पसंद करते हो तो ये रेसिपी आप इजली ट्राई कर सकते हैं। सारा ही यहाँ पे हमने समा का चावल और साबूदाना ले लिया है मिक्सी जार में, साथ में ही पूरा 1/2 कप यहाँ पे हमने लिया है दही। अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, जरूरत लगती है तो 1 या 2 चम्मच पानी यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 चम्मच पानी ही यूज़ करिएगा, इससे ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। क्योंकि ये चावल और साथ ही साथ साबूदाना अपने आप में बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, इससे ज़्यादा पानी की नीड वैसे आपको नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल स्मूथ बैटर हमने बना के तैयार कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। निकाल लेंगे सारा ही बैटर एक बर्तन में। दोनों ही चीज़ अच्छे से अगर भीग जाती हैं तो बहुत अच्छा स्मूथ बैटर बहुत अच्छे से ग्राइंड होके हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा ही बैटर हमने ले लिया है एक बर्तन में, और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ बैटर हमारा ये तैयार हुआ है। चावल का एक भी दाना इसमें नहीं आ रहा। और बस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं पूरा 1 चम्मच हम नींबू, और साथ में ऐड कर रहे हैं पूरा 1 चम्मच चीनी। और बस इस चम्मच से चलाते हुए यहाँ पे हमने इसे मिक्स कर देना है, नींबू को चीनी को। इससे सेल्फ फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होगा इसमें, नींबू और चीनी के मिश्रण से काफ़ी अच्छा सेल्फ फर्मेंटेशन होता है, इसलिए बस अच्छे से मिक्स करने के बाद साइड में रखेंगे पूरे 1 घंटे के लिए। और दूसरी तरफ हमारे नाश्ते की स्टफिंग के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं उबले हुए आलू। आलू को हमने उबाल के अच्छे से ठंडा कर लिया है, और बस इनका हमने उतार लेना है छिलका, और यहाँ पे इन्हें हाथ से ही या मैशर से ही आपको बिल्कुल अच्छे से इन्हें मैश कर लेना है। यहाँ पे बस सारे ही आलूओं को फोड़ लेंगे, और आलू को फोड़ने के बाद यहाँ पे गैस पे चढ़ाएंगे एक पैन। पैन में ऐड करेंगे घी या तेल, जो भी आप व्रत में खाना चाहें। यहाँ पे हमने 2 चम्मच देसी घी ऐड करा है, और घी को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद ऐड कर देंगे यहाँ पे करीब 1 चम्मच जीरा, और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। फ्रेंड्स, इसमें से आप कोई भी चीज़ अगर व्रत में नहीं खाते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। कड़ी पत्ते के साथ ही यहाँ पे हमने हरी मिर्च भी ऐड करी है, बारीक चॉप करके अच्छे सोटे कर लिया है, गैस स्लो फ्लेम पर है, ऐड कर दिए हैं हमारे उबले हुए आलू। और आलू के साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे व्रत में खाने वाले मसाले। यहाँ पे हमने ऐड करा है करीब 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। आप जो भी मसाले खाते हो, जितना चटपटा से बनाना चाहें, आप इस स्टफिंग को बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है, साथ में ही यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं नमक। 1 चम्मच नमक यहाँ पे हमने डाला है सेंधा नमक, साथ में ही यहाँ पे हम डाल रहे हैं करीब 1 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर। और बस अच्छे से इन मसालों को आलू के साथ मिक्स करते हुए हमने स्लो फ्लेम पर आलूओं को भून के कर लेना है तैयार। और बस जब हमारे आलू बिल्कुल अच्छे से भून जाएंगे तो यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और हरे धनिए को भी बिल्कुल अच्छे से हमने हमारे इन आलूओं के साथ मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इन आलूओं को उतार लेंगे हम, और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इतना ठंडा हमने इन्हें कर लेना है कि इजली हम इन्हें हाथ से टच कर सकें, तो कम से कम 15 से 20 मिनट हमने इन्हें ठंडा होने देना है। और बस 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हमने इन्हें फ़ैन में रख दिया था, और हमारे आलू बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। और यहाँ पे अब हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हमारे इन आलूओं का, और बस थोड़े थोड़े से आलू लेते हुए हमने कुछ इस तरह से इन्हें रोल करना है। इनके रोल बना के हमने तैयार कर लेने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लंबे रोल हमने इनके बनाने हैं।
और बस कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सभी आलू के रोल बना के तैयार कर लिए हैं। और बस यहाँ पे ले रहे हैं अब हम 3 ग्लास, और इन ग्लासेस को हमने ऑयल से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तीनों ही ग्लासेस को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो भी आप व्रत में खाते हो या देसी घी से भी आप इन्हें ग्रीस कर सकते हैं। बस ग्रीसिंग करते हुए ध्यान रखना है ऊपर तक चारों ही साइड से हमने इसे ग्रीस करना है, और यही काम हम तीनों ही ग्लास में करके कर लेंगे हमारे ग्लासेस को तैयार। और बस हमने हमारे तीनों ही ग्लासेस ग्रीस कर लिए हैं बिल्कुल अच्छे से ऊपर तक। और यहाँ पे अब हम ले रहे हैं हमारा बैटर, और बस ऐड कर देंगे हमारे इस बैटर में आधी चम्मच करीब नमक, और बिल्कुल अच्छे से हमने उस नमक को भी मिक्स कर देना है। और बस बिल्कुल अच्छे से इस नमक को मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम दे रहे हैं हमारे ग्रीस करे हुए ग्लासेस, और इन ग्लासेस में हमने कुछ इस तरह से करनी है फिलिंग, यानी यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा सा बैटर पहले नीचे डाल देना है, करीब 3 से 4 चम्मच हम यहाँ पे नीचे इस तरह से बैटर को फिल कर देंगे। और जो हमने आलू की फिलिंग हमारी बना के तैयार करी है उसे कुछ इस तरह से बीच में हमने सेट कर देना है। हल्का सा पकड़ते हुए यहाँ पे हमने बैटर को भरते हुए हमने आलू को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना है, और बस यही सेम स्टेप हमने हमारे तीनों ही ग्लासेस में करना है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा ये वाला ग्लास है इसमें हमारी आलू की स्टफिंग ज़्यादा हो गई थी ग्लास के साइज़ के हिसाब से, इसलिए हमने स्टफिंग के रोल बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि स्टफिंग का रोल बस इतना बनाए कि ग्लास के साइज़ का 2/3 हमारे स्टफिंग का रोल बन के तैयार हो। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट 2 ग्लासेस में हमने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए स्टफिंग को इतना ही रखा कि बस हमारा जो ग्लास है जब हमने बैटर से उसे कवर करा तो आप देख सकते हैं बस 2/3 ग्लास ही हमारा फिल हो पाया है। और अब अच्छे से जब ये फूलेगा तो प्रॉपर स्पेस हमारे इस बैटर को मिल जाएगा। बस दूसरी तरफ यहाँ पे हमने पानी को बिल्कुल अच्छे से बॉईल कर लिया है, और यहाँ पे रख देंगे हमारे ग्लासेस। आप चाहें तो यहाँ पे नीचे स्टैंड भी लगा सकते हैं, पर नीड नहीं है क्योंकि इसमें पानी है। अगर हम बेक कर रहे होते नमक होता जरूर हमें स्टैंड लगाने की नीड पड़ती। यहाँ पे हमने डायरेक्ट इन्हें रख दिया है, और पूरे 15 मिनट के लिए हमने इन्हें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर स्टीम करना है। इतने बनाते हैं हमारी इंस्टेंट नारियल की चटनी, जिसके लिए यहाँ पे फ्रेंड्स हम ले रहे हैं नारियल का बुरादा यानी डेसिग्नेटेड कोकोनट। यहाँ पे हमने लिया है पूरा 1 कप, साथ में ही पूरा 1 कप यानी उसके बराबर का यहाँ दही, 2 हरी मिर्च ली है रफली चॉप करके, 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं सेंधा नमक, साथ में 2 चम्मच ऐड कर रहे हैं चीनी, और इसके साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे करीब 1/2 चम्मच नींबू का रस। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी इस चटनी में। नारियल का बुरादा यहाँ पे ऐड करा है तो वो भी बहुत अच्छा जूसी हो जाएगा। और बस अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, और बिल्कुल प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ हमारी नारियल की चटनी बनकर तैयार है। इसी टाइम पे आपके पास पानी वाला नारियल ना हो तो आप इस तरह से झटपट नारियल की चटनी बना कर तैयार कर सकते हैं। आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि आपने नारियल के बुरादे से बनाई है। और बस ले लेंगे इसे एक बर्तन में, साथ में करीब 1 चम्मच देसी घी हम यहाँ पे गरम कर रहे हैं। एक पैन में ऐड करेंगे जीरा करीब 1 चम्मच, कड़ी पत्ता, और यहाँ पे हमने ऐड करी है हरी मिर्च जो बिल्कुल सूख के लाल हो गई है, जिससे कि हमारी चटनी का कलर थोड़ा अच्छा है, इसलिए यहाँ पे हमने वो सूखी हुई लाल मिर्च को यूज़ करा है। आप नॉर्मल लाल मिर्च अगर व्रत में खा लेते हो तो आप यहाँ पे उसे भी ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी नारियल की चटनी बनकर तैयार है। और बस दूसरी तरफ फ्रेंड्स यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं हमारे नाश्ते को स्टीम होते हुए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर, और बस इसे चेक कर लेते हैं टूथपिक की हेल्प से। आप देख सकते हैं अच्छा फूल गया है, जो हमने ग्लास ओवरफिल कर दिया था वो हल्का सा फट भी गया है फूलने की वजह से, और बस बिल्कुल भी गीला बैटर बाहर निकल के नहीं आ रहा, और हमारे ये अच्छे से स्टीम होकर तैयार है। और बस गैस की फ्लेम को करेंगे बंद, इन ग्लासेस को निकालेंगे, ठंडा होने देंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि ईजिली हम इन्हें डीमोल्ड कर सकें। और बस 15 मिनट बाद यहाँ पे लेंगे एक नाइफ, नाइफ पे लगाएंगे थोड़ा सा घी या तेल, कुछ भी आप लगा सकते हैं वेजिटेबल ऑयल या घी। और बस इस तरह से अच्छे से नाइफ को ग्रीस करने के बाद हमने हमारे इन ग्लासेस को डीमोल्ड करना है। बताना चाहेंगे ग्लासेस अभी भी गर्म लगें तो इन्हें आप कपड़े से पकड़ के भी डीमोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये ग्लासेस ठंडे नहीं होते। लेकिन हाँ, इन्हें डीमोल्ड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस इस तरह से आप अपने नाइफ को घुमाइएगा और बहुत ईजिली ये डीमोल्ड हो जाएंगे। बस जो भी प्रॉब्लम होगी वो ग्लास के गर्म होने की वजह से होगी। और एक बार चारों तरफ नाइफ को घुमाने के बाद हमने ग्लास को उल्टा करके हल्का सा टैप करा, और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली निकल कर ये आ गया है। इसी तरह से हमने हमारे तीनों ही ग्लासेस को डीमोल्ड करना है। नाइफ से चारों ही तरफ घुमाएंगे और बस ग्लास को उल्टा करके हल्का सा टैप करेंगे और हमारा नाश्ता निकल के आ जाएगा बाहर।
वैसे तो आप इन्हें इस तरह से भी कट करके खा सकते हैं, लेकिन इन्हें और अच्छा टेस्टी बनाने के लिए हम चलेंगे इन्हें फ्राई करने के लिए। इन्हें फ्राई करने के दो तरीके हैं, या तो आप जिस तरह से हमने फ्राई करा है इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। बस पैन में लेंगे 2 चम्मच देसी घी, देसी घी को बिल्कुल अच्छे से हमने गर्म कर लेना है और ऐड कर देना है यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, और जीरे के साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल, और बस अच्छे से इन्हें चटकने देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे हम कड़ी पत्ता और हमारा ये नाश्ता, ये तीनों ही रोल्स हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इन्हें घुमा घुमा के हमने करीब 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करना है स्लो फ्लेम पर। या एक तरीका ये है कि आप इन्हें पहले इन रोल्स को पहले कट कर लीजिए और उसके बाद यही सेम स्टेप जीरा तिल कड़ी पत्ता डाल के आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस नाश्ते को किस तरह से फ्राई करना चाहें। यहाँ पे हमने सारे ही नाश्ते को पूरा साबुत इस तरह से डाला और उसके बाद फ्राई करा है। आप चाहें तो इन्हें रोल्स को कट करके उसके बाद भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। और बस एक एक रोल को हमने इस तरह से निकालना है और नाइफ़ की हेल्प से हम इन्हें इस तरह से कुछ जैसा कि आप देख सकते हैं कट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है। व्रत में कुछ स्पेशल कुछ यूनिक खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और बस तीनों ही रोल्स को हमने इसी तरह से कट कर लेना है। अगेन बताना चाहेंगे फ्राई करना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कट करने के बाद फ्राई करें या फ्राई करने के बाद कट करें। ईजिली कट हो रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में नारियल की चटनी के साथ। इनका टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा ये नाश्ता बनकर सर्विंग के लिए तैयार है। आप भी व्रत में कुछ अलग कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा और हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपको हमारी साबूदाना समा के चावल की ये अमेजिंग सी रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारा आज का आलू स्टफ्ड ये सॉफ्ट सा नाश्ता अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।